हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाइन हाउ ऑफिशियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चीते और तेंदुए के डिफरेंस के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों चीते की शरीर बनावट तेंदुए से अलग होती है। दोनों में अंतर लगाने का सबसे आसान तरीका कंधा है। एक तरफ जहाँ तेंदुए का कंधा कम लंबा होता है, वही चीते का कंधा अधिक लंबा होता है। इसके अलावा चीता तेंदुए से ऊंचा भी होता है। वही एक चीता का वजन 72 किलोग्राम होता है। साथ ही चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। वही अगर तेंदुआ की बात करें तो ये बनावट में चीता से छोटा होता है। हालांकि तेंदुआ का वजन चीता से ज्यादा होता है। चीता और तेंदुआ की खाल में भी डिफरेंस होता है। अगर चीता को देखेंगे तो उसकी खाल हल्के पीले और ऑफ व्हाइट कलर की होती है, जबकि तेंदुआ की खाल पीले रंग की होती है। चीते की खाल पर गोल या अंडाकार काले धब्बे होते हैं। इसके अलावा दोनों के पंजों में भी अंतर होता है, जिसकी मदद से आप तेंदुए और चीते में पहचान कर सकते हैं। चीते के पंजे तेज गति से दौड़ने के हिसाब से होते हैं। चीते के पिछले पैर आगे के मुकाबले बड़े और मजबूत होते हैं। यही वजह है कि चीते ज्यादा तेजी से दौड़ते हैं। इसके अलावा चीते के पंजे कभी सिकुड़ते भी नहीं है। वही तेंदुए के पंजे की बात करें तो इनके आगे के पैर पीछे की तुलना में बड़े होते हैं। यही वजह है कि तेंदुए शिकार के बाद आसानी से शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। चीते और तेंदुए के सिर की बनावट भी अलग होती है। चीते का सिर छोटा और गोला होता है। साथ ही चीते की छाती ऊंची और पेट पतली होती है। इसके अलावा चीते के चेहरे पर आंखों के कोने से मुंह तक एक काली लाइन बनी होती है, जबकि तेंदुए के आंखों के कोने से मुंह तक कोई काली लाइन नहीं बनी होती है। यही कुछ डिफरेंस चीते और तेंदुए में देखे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।